मंत्री सर्राफा स्टेशन उदयपुर। आज हमारे बीच भड़भूजा घाटी, बड़ा बाजार एवं मोचीवाड़ा क्षेत्र के बीच राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं उदयपुर शहर के विधायक के रूप में खड़े होने एवं विजय की ओर बढ़ने वाले राष्ट्रीय प्रतिभा के धनी इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी का मंगल पदार्पण हो रहा है। हम सब विजयी भव की भावना के साथ उस राष्ट्रीय प्रतिभा का सम्मान करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच नगर निगम उदयपुर के पार्षद एवं बड़ा बाजार व्यवसाय संघ के अध्यक्ष आदरणीय अजय जी पोरवाल हमारे बीच हमारा पधारकर हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। साथ ही भड़भूजा घाटी एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय फतेलाल जी साहब नागदा एवं वरुण माल एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय शाली जी पालीवाल एवं पार्षद नजमा जी बेवा फरोश हम सब का नेतृत्व कर रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं हमारी राष्ट्रीय प्रतिभा आदरणीय जो उदयपुर को नेतृत्व प्रदान करेंगे, उदयपुर की गौरव आदरणीय गौरव वल्लभ जी का, जो कुछ क्षणों में यहाँ पहुँचने वाले हैं। और हम सबके बीच उत्साह का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि हम विजय भव की भावना के साथ उस राष्ट्रीय प्रतिभा को उदयपुर की प्रतिभा के रूप में स्थापित करते हुए उन्हें विजय की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। यहाँ की पूर्व पार्षद नजमा में और उस महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष, जो अभी हमें नया कैंडिडेट मिला है, वो सर्वगुण संपन्न, पढ़ाई में हर जानकारी में बहुत अच्छा है और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है जो भी है, वो एक साल दो साल से यहाँ से रिसर्च कर रहे हैं, सब देख रहे हैं और यहाँ को सबको उनको टिकट मिला तो हम सब एक होके कांग्रेसी और दूसरे भी जो पार्टी से नाता नहीं रखते, न्यूट्रल होते हैं, वो भी सब मिल के आपने देखा यहाँ सब ये इस क्षेत्र के हैं और एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि हर चीज़ में माहिर है। कोई भी उनका आसानी नहीं, उनके सामने कोई बात करने में भी कोई टिक नहीं सकता, ऐसा बंदा है और उसको हम यहाँ से जिता के और राजस्थान की सरकार में उनको प्रतिनिधित्व दिलाएंगे और हमें उम्मीद है, पक्की आशा है कि वो मंत्री पद मिलेगा और हमारे उदयपुर का जो पिछले 20 सालों से जो विकास रुका हुआ है, जो स्मार्ट सिटी के नाम से जो झुंझुना पकड़ाया हुआ है, जो शहर का सत्यानाश किया हुआ है, पूर्व विधायक ने जो 20 सालों से यहाँ जमे हुए हैं उनकी सारी कमियों को ये दूर करेंगे और इस शहर को जो कि नंबर वन स्मार्ट उदयपुर खूबसूरती में उसमें सफाई के नाम से 100 से भी पीछे ले गए हैं, उसको वापस सिरमौर बनाएंगे और यहाँ के जो हम जनप्रतिनिधि हैं उनको पूरा सहयोग कर रहे हैं और सारी कांग्रेस ही नहीं जन जन उनके साथ है और हम उनको भारी मतों से विजय दिला के और जयपुर भेजेंगे। जय हिंद। इसी वार्ड से विजय हुआ हूँ और जो गहलोत जी ने जो काम किए हैं गरीबों के लिए, ज़्यादातर पूंजीवादियों के अंदर ना करके ज़्यादातर गरीब लोगों के ही उन्होंने काम किए हैं और राजस्थान की 5 साल की सरकार उन्होंने पूरी तरह से निभाई है और उन्होंने जो काम किए हैं वो यहाँ की जनता उन्हें भूल नहीं सकती और उन्हें विजय जो गरीब जी ने खड़े हुए हैं उन्हें बहुमत से उन्हें विजयी बनाएंगे। चुनाव के सीजन में हम सबसे पहले भड़भूजा घाटी पे व्यापार मंडल के सारे जैन जो व्यापारी हैं सब व्यापार मंडल वालों ने यहाँ पे हमारे प्रत्याशी गौरव वल्लभ जी का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए बुलाया है। हम सब ने संकल्प लिया है इस बार कि हम किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, गौरव वल्लभ जी शिक्षित हैं और जिस ढंग से डिबेट करते हैं और जिस ढंग से अपनी बातें पहुँचाते हैं उनको हम पूरा समर्थन देके इस बार जयपुर विधानसभा में भेजेंगे। Thank you.
सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार और प्रणाम। और जो मंच पर हमारी पार्टी के और बड़पूजा घाटी के जो वरिष्ठ व्यापारी में हमारे साथ बैठे हैं, आदरणीय जैन साहब, प्रकाश जी जैन साहब, अजीत जी जैन साहब, सतीश जी पूर्वाल साहब, मुकेश जी सिंघवी साहब, हमारी महिला कांग्रेस की नजमा जी मेवा परोज, मेरा छोटा भाई सुशील जी जैन साहब, सीमा जी पंचोली, खयाली पालीवाल जी, अशोक जी नागदा जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्वाल साहब। मैं सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात कहूँगा। साथियों, एक घटना का जिक्र मैं यहाँ जरूर करना चाहूँगा। जब पारसनाथ जी अपने एक वहाँ पर, आपको पता होगा, 6-8 महीने पहले एक बड़ा इश्यू चल रहा था कि वहाँ समय शिखर में शराब और मांस की बिक्री हो रही थी, तो आपका भाई झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री के पास गया और उस चीज को बंद करवाया। ये काम मैंने किया और मुझे इस बात का गर्व है। बहुत बढ़िया। कांग्रेस पार्टी मेरा ये मानना है कि कोई भी शहर बिना उसके ठोस अर्थव्यवस्था के आगे नहीं बढ़ सकता। और ठोस अर्थव्यवस्था जब ही होगी जब उस शहर के छोटे उद्यमी, दुकानदार, उनके घर में मनी का फ्लो होगा, उनकी दुकानों में मनी का फ्लो होगा, तो ही वो शहर आगे बढ़ सकता, अन्यथा नहीं बढ़ सकता। ये मेरा मानना है। हर जगह मैंने इस बात को उठाया और यहाँ पर सोने चांदी का बड़ा बाजार है। मैंने भारत की गोल्ड पॉलिसी का जो अभी नहीं बनी है वो मैं उसमें एक प्रमुख मेंबर था। इंडिया की गोल्ड पॉलिसी मैंने लिखी है क्योंकि मैं मानता हूँ कि गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट तो है ही, पर गोल्ड हमारे जीवन में एक 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 ठहराव भी देता है, एक हमें बुरे वक्त में बुरे वक्त को झेलने की शक्ति भी देता है। तो 2 बातें मुझे करनी थी। आप सब लोगों ने मेरा इतना भव्य स्वागत सत्कार किया, इसके लिए मैं सभी बड़पूजा घाटी के सभी व्यापारियों को, दुकानदारों को सादर प्रणाम करता हूँ। और साथियों, मैं आपको वादा दे सकता हूँ कि आपके अर्थव्यवस्था को बिगड़ने नहीं दूंगा, भले उसके लिए मुझे बड़े से बड़े दरवाजे खटखटाने पड़े। आपकी दुकानों में जो मनी का फ्लो है उसको बिगड़ने नहीं दूंगा। आपके जो गोल्ड के इश्यूज है, भले गोल्ड पर लगने वाला GST हो, ऑर्नामेंट्स पे जो अनिवार्य रिक्वायरमेंट्स हो, पैन कार्ड की, वो सारे इश्यूज के लिए भले ही मुझे दिल्ली में केंद्र सरकार के वित्त मंत्री से जाकर मिलना पड़े, आपके इश्यूज के लिए आपका भाई हमेशा तत्पर रहेगा। ये मेरा वादा है। एक और बात, मैं बड़े व्यापारियों के खिलाफ नहीं हूँ, पर बड़े व्यापार अगर छोटे व्यापारियों को क्रश करके बनते हो तो मैं उसका मुंह तोड़ विरोध करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। मैं कोई बड़े कॉरपोरेट्स का विरोधी नहीं हूँ, पर अगर बड़े कॉरपोरेट्स छोटे दुकानों के मनी के इनफ्लो को बिगाड़ते हैं तो उसका हर स्तर पर विरोध होना चाहिए और मैं करूंगा। इससे ज्यादा आज मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपने जिस तरह से मेरा स्वागत किया, सत्कार किया, मैं जीवन पर्यंत आपका आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कांग्रेस पार्टी।
पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद जी, सम्मानित महानुभाव।